हेलो, वेलकम टू माय चैनल जिंदगी का सफ़र विद देवप्रिया। दोस्तों, हम तीन दोस्त आए हैं ट्रैवल टू उत्तराखंड के साथ चार धाम यात्रा के लिए। अभी हम लोग बारकोट में पहुँचे हैं। आज 22 मई 2026 तारीख है और आज हम लोग गए थे यमुनोत्री धाम के लिए। बहुत सुंदर से पूजा दिया और सबसे बड़ी बात जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि YouTube में और काफ़ी इंटरनेट में जो वायरल हुआ है कि बहुत सारे भीड़ हो रही है, बहुत सारे जैम हो रहा है, तो मैं आपको डिटेल्स में बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली बारकोट से लेके यमुनोत्री धाम तक जो रास्ता है उसमें आती है, पहले आती है सियाना चट्टी, फिर राणा चट्टी, फिर आती है हनुमान चट्टी, फिर फूल चट्टी एंड उसके बाद आती है जानकी चट्टी। जानकी चट्टी से आपको पैदल मार्ग करनी पड़ती है, ट्रेकिंग करनी पड़ती है। तो क्या है दोस्तों कि एक्चुअली रजिस्ट्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो सबके पास रजिस्ट्रेशन का कागज़ सही से नहीं है। किसी किसी लोगों ने ऐसा किया है कि जून महीने में रजिस्ट्रेशन किया है और अब मई महीने में चले आए हैं, तो प्रशासन जो है उन लोगों को जाने नहीं दे रही है, पुलिस जो है उन लोगों को रोक के रखी है। इसलिए जो गाड़ियां हैं एक के बाद एक खड़ी होती जा रही है रास्ते पे और जैम क्रिएट कर रही है, जिसके वजह से ये जो सारा कन्फ्यूशन से वो सब चालू हो रहा है। और धाम में भी आज हमने अच्छे से पूजा दिया, अच्छे से घूम के आए हैं, देखा है कि उतना भी भीड़ नहीं है। पिट्ठू है, डोली है, घोड़ा है, कांडी है और पैदल भी रास्ते पे जा रहे हैं। सब शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं और पूजा भी दे पा रहे हैं। चार धाम यात्रा अपने से ही एक बहुत बड़ी बात है, महत्वपूर्ण है हम हिंदुओं के लिए, तो इसमें तो भीड़ आवश्यक ही है, होता ही है, लेकिन 2024 में शायद थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। लेकिन कुछ कुछ यूट्यूब चैनल में और इंस्टाग्राम में, इंटरनेट में ऐसा फैला रहे हैं हम लोग अफवाह कि जैसे कि यहाँ पर आ नहीं सकते हैं, यहाँ पर बहुत भीड़ लगी है वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। थैंक यू।